एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वेरिफिकेशन कब होगा और वेरिफिकेशन के बाद का अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और इधर मैं कुछ दिनों से वीडियोस आपको नहीं दे पा रही थी। बहुत सारे रीजंस थे, पास में मंदिर था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रही थी जिसकी वजह से मेरी साउंड आप लोगों को बहुत क्लियर सुनाई नहीं देती। लेकिन अब से रेगुलरली हर एक अपडेट मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। आप बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहें। बहुत अगर आपने डेट देखा होगा, डेट सीट अगर मैं आपको बता दूं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप सर्च भी करोगे तो इस तरह से आएगा और फिर आपका एक नोटिस और अनाउंसमेंट या फिर ICAR का काउंसलिंग पोर्टल आप खोलोगे तो इस तरह से इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुलेगी और यहाँ पे आपको सारी चीजें ये मिल रही हैं। ठीक है, तो आप जब इसके वेबसाइट पे जाओगे और जो नया नोटिस आया था उसमें आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 25 से लेकर 28 के बीच में आपका वेरिफिकेशन होना था और उसके बाद आपका पेमेंट होगा। तो बहुत सारे लोगों का अभी से ही आने लग गया है कि उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके जब आप चेक करोगे तो ऊपर रेड कलर से आपको एक लिखा हुआ आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या करना था, कैसे अपलोड करना है, क्या नहीं करना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनका वो अपने आप ही डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिखा रहा होगा। जिन लोगों ने बाद में किया है उनका बाद में दिखाएगा। तो ये सारी चीजें थी, प्लस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड किए हैं उसको रेडी करके रखिएगा क्योंकि जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा, वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा तो उसके लिए भी रेडी रहना है। अभी आपको क्या करना है कि जब आपका दिखाएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड तो उसके बाद आपका एक और पोर्टल पे भी आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपका वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद एक और ऑप्शन दिखने लग जाएगा, वो होगा फी पेमेंट का। ठीक है, जैसे ही उस फी पेमेंट को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको 10,000 पे करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंग टू सर्विस चार्जेस कुछ चार्जेस आपको लगेंगे। अगर 100 रुपए लग रहे हैं, 200 रुपए लग रहे हैं, 250 रुपए लग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10,000 प्लस वो सर्विस चार्ज देना होगा। तो जब आप वो पेमेंट कर रहे होंगे तो बहुत ही सावधानी से और पेशेंस के साथ करना। मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये पोर्टल जो है इसका सर्वर बहुत ज्यादा बिजी रहता है, बहुत ही ज्यादा इस पे काम हो रहा होता है, बहुत सारा रिसर्च वर्क हो रहा होता है, इसकी वजह से इस पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ऐसे टाइम पे करना जिस वक्त आप ये समझो कि सर्वर जो है वो बहुत फ्लुएंटली बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, क्योंकि अगर आपका पेमेंट अटक गया है, रुक गया है या कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो आपको बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए पेमेंट करते वक्त आपको बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ही प्रोन है, मतलब बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो आप इस पेज को रिफ्रेश करने की गलती मत करना, रिफ्रेश मत करना। रिफ्रेश करोगे तो वो फिर से ओपन हो जाएगा और फिर से आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको 10,000 की जगह 20,000 पे करना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। पिछले लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने इस तरह से किया था कि उन्होंने पहली बार पेमेंट किया और वो सारी चीजें गायब हो गई और फिर से उन्हें करना पड़ गया था, और नहीं करोगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा। ये भी एक चीज है, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक आपका कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पेमेंट के बाद ही एक्चुअली आपका ऑप्शन आएगा अपग्रेड करने का या फिर एक्सेप्ट करने का। अभी जो आप लोग बहुत सारे मुझे मैसेज भी कर रहे हो कि हमें अपग्रेड करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता भी रही हूँ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसके अपर वाले कॉलेज को लेना चाहिए या मिल सकता है मुझे, तो उसके लिए आपको अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड का ऑप्शन आपका बाद में आएगा जब आप पेमेंट कर दोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का या अपग्रेड करने का। तो आप अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट करना, अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड कर देना। सिंपल, यही सारी प्रोसेस है। अपग्रेड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट जो राउंड होगा, सेकेंड राउंड, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आप चाहे अपग्रेड करो या एक्सेप्ट करो, उसके लिए आपको पेमेंट के ऑप्शन के ऑप्शन से होके गुजरना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड राउंड में जब हम जाएंगे तो अभी तो 10,000 पे कर रहे हैं, क्या उस समय भी करना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। आप जब एक बार 10,000 पे कर दोगे
तो आपको दोबारा, आप चाहे सेकेंड राउंड में जाओ, थर्ड राउंड में जाओ या मॉपअप तक जाओ, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली वीडियो को लास्ट तक इसीलिए देखना क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो आपको लास्ट तक वो पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको एक बार जब आप पे कर दोगे तो उसके बाद आप अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में जा सकते हो। अब जिनका अभी तक अलॉट ही नहीं हुआ है कोई भी कॉलेज, तो उनका सेकेंड राउंड में आएगा, तो वो सेकेंड राउंड में पे करेंगे और वहां पे अपग्रेड और जो भी ऑप्शन आपका आएगा उस समय करना है। अभी आपके पास पेमेंट ऑप्शन नहीं आएगा, जब तक कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है तब तक पेमेंट ऑप्शन नहीं आता है। तो आपका अगर फर्स्ट बार में अलॉट नहीं हुआ है तो आपको इंतजार करना है सेकेंड टाइम के लिए। सेकेंड राउंड में जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपके पेमेंट ऑप्शन आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड दिखाएगा, फिर पेमेंट ऑप्शन करोगे, उसके बाद एक्सेप्ट या फिर अपग्रेड करोगे, उसके बाद थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। तो ये ध्यान रखना है, अगर मान लो आप सेकेंड राउंड में भी सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं इससे भी आगे का मुझे चाहिए, तो ये याद रखना है कि जिनको फर्स्ट राउंड में मिला है उनको सेकेंड राउंड में हो सकता है कि कॉलेज आपको मेन कैंपस मिले, लेकिन थर्ड राउंड तक अगर आप जाना चाहोगे तो उस समय आपको सब कैंपस मिलेगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि थर्ड राउंड में जाके आपको मेन कैंपस मिल जाएगा क्योंकि आपको पहली बार में मिला हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जिनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गए हैं वो सेकेंड राउंड तक ही अपग्रेड करना इन माय ओपिनियन, उसके बाद आप अपग्रेड मत करना क्योंकि उसके बाद आपको सब कैंपस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको मेन कैंपस नहीं मिलेगा। अगर आप मेन कैंपस चाहते हो तो आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक ही स्टिक रहना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ या मॉपअप राउंड जो होता है वो उसमें, मॉपअप में तो इतना समझो कि बचे हुए सीट्स के लिए मॉपअप होता है, तो बचे हुए सीट्स का मतलब हो गया वो मेन कैंपस भी हो सकता है या सब कैंपस भी हो सकता है, मोस्टली सब कैंपस ही होते हैं मोस्टली, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मेन कैंपस में कोई सीट बचा रह जाए, क्योंकि फोर्थ राउंड तक जाते जाते सारी सीट्स ऑलमोस्ट सभी मेन कैंपस में फुल हो जाती हैं। एग्रीकल्चर बहुत ही डिमांडेबल सब्जेक्ट है, बहुत ही लोगों मतलब जो भी इसमें जाना चाह रहे हैं वो जाना चाह रहे हैं, तो उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट तक मॉपअप तक वही लोग वेट करेंगे जिनका फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में नहीं मिला है कॉलेज। अगर मिल जाता है तो आप ज्यादा अपग्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना कोई भी, बहुत ज्यादा अगर आप एक अगर कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो या आपको लग रहा है कि बहुत दूर चले जाएंगे या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तभी अपग्रेड करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कॉलेज ठीक ठाक है और मेरी जो कोर्स है वो भी सही है तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, अपग्रेड मत करना, ठीक है, एक्सेप्ट करके और कॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए और वहां पे आप स्टॉप हो जाइए। एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको सेकेंड राउंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कॉलेज में जाओगे, आपको एडमिशन लेटर आपका जारी होगा, वो एडमिशन लेटर लेकर जाओगे और फिर उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है। कोई भी डाउट हो तो आप फिर से कमेंट जरूर करना, और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हो और जुड़ के आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो, किसी भी रैंक का, किसी भी चीज का, एडमिशन से रिलेटेड, या अगर आपका पेमेंट फंस रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमें बता सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा हमारे नंबर पे, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और पेमेंट के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना क्योंकि ये इसका वेबसाइट बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, बहुत उस पे फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो अगर टाइम लगे, ये नहीं कि 5 मिनट में मेरा हो गया, 2 मिनट में पेमेंट तो कर के निकल लिए, नहीं हो रहा है तो फिर से रिफ्रेश कर दिए, वो चीज नहीं करना है आपको, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम लगता है इस पे, इस वेबसाइट पे अगर आप बैठ रहे हो कोई भी काम करने के लिए तो आपको टाइम लगेगा, तो पेशेंस लेके बैठना है और ये चीज ध्यान रखते हुए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें।